सड़ा व घुन लगा कीड़े मकोड़े मिला चावल खाने को मजबूर है लोग। मध्य प्रदेश सरकार की पोल खोलता देखे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। जिला अंतर्गत खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है। मामला अधीन जाति सेवा सहकारी समिति के रहैया बच्चई का है, जहां विगत 3 माह से गरीबों को सोसाइटी प्रबंधक राजेश भार्गव व अमर ज्योति मिल और खाद्य विभाग की मीकली भगत से 3 माह से सेवा सहकारी समिति बच्चई के रहैया में सड़ा व घुन लगा चावल वितरित किया जा रहा है। चावलों में कीड़े निकल रहे हैं, चावल घुन लगा हुआ है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को वितरण किया जा रहा है, जिससे लोग बीमारी का शिकार हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये घटिया चावल करीब 3 माह से उनको सोसाइटी द्वारा दिया जा रहा है, जिससे उन्हें बेहद परेशानी और बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने कई बार चावल को लेने से भी मना कर दिया, पर उसके बाद भी वही चावल अभी तक प्रबंधक राजेश भार्गव द्वारा वितरण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत आज पत्रकार धर्मेंद्र लोधी, राम कुमार पटेल व संजीव मेहरा ने कलेक्ट्रेट के से लिखित में की और सोसाइटी प्रबंधक व अन्य दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की, जिस पर अपर कलेक्टर ने तत्काल खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी को दल गठित कर कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। विगत 3 माह से सड़ा व घुन लगा चावल वितरित किया जा रहा है, जो कि अधिकारी और सोसाइटी प्रबंधक की मिली भगत को दर्शाता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन कब तक दोषियों पर कार्रवाई करता है, या फिर हर बार की तरह इस बार भी बस कोरा आश्वासन ही देकर मामले को दबा दिया जाता है। चावल खरीदे आपने? अभी तो नहीं खरीदे। चावलों को लेकर जो क्वालिटी आ रही है वो लेने लायक है? अच्छी क्वालिटी नहीं है। किस तरीके से निकल रहे हैं, क्या खराब है? खराब चावल है, धोने में खराब हो जाते हैं, घुल जाते हैं, कीड़े वीड़े भी, स्वाद भी ठीक नहीं है। और यही बच्चों के लिए दिए जाते हैं, बच्चों को भी यही दिया जा रहा है। MDM मध्याह्न भोजन में जो चावल है, कोई बच्चों को यही दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? आ रहे हैं घटिया क्वालिटी के चावल आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं? 2 महीना हो गए। 2 महीने हो गए चावल आते हैं। इस संबंध में आपने किसी अधिकारी से अधिकारी को अवगत कराया? अभी रसी कही थी आप इनको उम्मीद के बारे आए थे। नहीं, किसी अधिकारी को अवगत कराया, प्रशासनिक अधिकारी की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं बोला है। तो आपको आपत्ति लगाना चाहिए ना, आवेदन तो देना चाहिए था जब 2 महीने से इस तरह के चावल आ रहे हैं लेने से। तो इस समय प्रशासनिक अधिकारी को बताने के लिए आपको होना चाहिए, बताना तो चाहिए। आपको बताया था सर, प्रबंधक को बताया था। कौन है यहाँ के प्रबंधक? राजेश भार्गव। आप क्या हैं? सेल्स मैन। क्या नाम है आपका? गुलाब सराल। ये जो चावल आ रहा है आपकी सोसाइटियों में, कहाँ से आ रहा है और कितने दिनों से आ रहा है? सड़क अच्छा, कब से आ रहा है? पिछले महीने से आ रहा है। चावल तो पूरा ख़राब है, सड़ा गुना आ रहा है, कीड़े निकल रहे हैं उसमें। कहीं का अच्छा, कहीं का ख़राब है। अपने यहाँ कब से आ रहा है? अपने पिछले महीने से आ रही है। इसके संबंध में प्रशासनिक अधिकारी को सूचित किया आपने? प्रशासनिक अधिकारियों को बताया मौके मौके में, लिखित में कोई आवेदन? लिखित में किसी प्रकार का कोई आवेदन नहीं किया। क्या कहना अधिकारियों को? अधिकारियों को कहना अगले महीने से सब ठीक हो जाएगा, तुम पहले क्यों नहीं बताया? क्या नाम है आपका? राजेश भार्गव। किस पद पर हैं? प्रभारी के पद पर। सर, ये बचाई सोसाइटी चीले सोन सोसाइटी में माल ये निकल रहा है, चावल सड़ा गुना चावल निकल रहा है। हाँ, ये जो भी माल अगर ऐसा पहुंचता है तो वो उसको माल बदलने की जिम्मेदारी नागरिक आपूर्ति निगम कर देती है तत्काल। सर, ये 2-3 महीने से चल रहा है वहाँ पर वो जो बिल्कुल हम बदलेंगे उसको, बिल्कुल जो भी जैसा भी रहता है बताते हैं सोसाइटी वाले, तत्काल बदलने का कर्तव्य नागरिक आपूर्ति निगम बदलता है उसको तत्काल रूप से। फिलहाल गोदाम से माल अगर ऐसा पहुँचता है, इशू भी हो जाता है, तो उसको बदली करने की जिम्मेदारी निगम प्रशासन की, गोदाम वालों की होती है। सर, हितग्राहियों ने चावल लेने से मना कर दिया है इसमें? बिल्कुल, अपन बदल के देंगे उनको, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उसमें किसी प्रकार की।